हेलो फ्रेंड, राधे राधे। स्वागत है आप सबका ज्योति किचन ब्लॉग यूपी में। आज बनाऊंगी दाल मखनी रेसिपी उड़द राजमा की। तो मैंने भिगोया नहीं था उड़द राजमा, ऐसे ही मैंने ले लिया है और इसे धुल लिया है बिना भिगोए ही। और आप चाहें तो आप भिगो भी सकते हैं। और यहाँ पे ले लिया मैंने कुकर, और कुकर में डाल दिया मैंने उड़द राजमा और पानी डाल दिया है। और इसमें डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दिया। और इसमें मिर्च, लाल मिर्च थोड़ी सी डाल देती हूँ, थोड़ी थोड़ी सब चीज़ डाल देती हूँ। धनिया पाउडर, थोड़ा मसाला डाल देती हूँ और स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। और गैस को मैंने ऑन कर दिया और इस पे रख दिया मैंने कुकर, और इसका ढक्कन लगा दूँगी। और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देती हूँ, इससे कि ये जल्दी गल जाएगा क्योंकि मैंने भिगोया नहीं था इसीलिए। और इसमें नमक डाल दिया मैंने। और इसका ढक्कन लगा के इसमें सीटी लगा लेती हूँ। और इसमें सीटी आ गई है, तो मैंने भिगोया नहीं था तो मैंने इसमें ज़्यादा सीटी लगाई है। और इसे मैंने खोल लिया है कुकर को, और ये बिल्कुल गल चुके हैं। और इसे थोड़ा थोड़ा मैश कर देती हूँ दबा दबा के चमचा से। और उधर मैंने गैस पे कढ़ाई गरम कर रख दी थी, वो गरम हो चुकी है। और कढ़ाई में डाल देती हूँ तेल। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। जब तक ऑयल गरम हो रहा है, और इधर दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैंने लहसुन और टमाटर और प्याज को चॉप कर लिया है। और यहाँ पर ले लिए मैंने मलाई एक कटोरी में, फ्रेश मलाई लिए। और यहाँ पर हींग और थोड़ा जीरा ले लिया है, जीरा बच्चे खाते नहीं है इसीलिए थोड़ा ही लिया। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में जीरा डाल दिया। और उसमें हींग डाल दिए, खड़े मसाले नहीं डाले हैं ज़्यादा क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, उसकी महक की वजह से। तो मैंने बस सिंपल तरीक़ा से बनाया। और टमाटर, लहसुन का पेस्ट और प्याज का डाल दिया, और इसे अच्छे से भून लेते हैं। और दाल मखनी आप चाहें इस तरीके से बना सकते हैं बिना भिगोए, और आप चाहें तो इसे शाम को भिगो दीजिए और सुबह को बना लें। और ये अच्छे से बन चुका है। थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाली है क्योंकि हल्दी उसमें कम डाली थी। और थोड़ा धनिया पाउडर डाल दिया, और जब तक इसे फिर से अच्छे से भून लेते हैं। और ये अच्छे से अब भुन गया है सब
मिक्स हो गया सब चीज़। तो सब्जी मैं इसमें डाल देती हूँ, दाल मखनी को मैंने इसमें डाल दिया। और इसमें इसे मिक्स कर देते हैं और फिर इसे ऐसे ही थोड़ी देर मिक्स मिक्स करके, और इसमें मैं थोड़ी सी मैंने मलाई दी है फ्रेश मलाई, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। मलाई डालने के बाद फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो मलाई डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही खा सकते हैं। और इसे ऐसे मैश कर देते हैं, दबा दबा के अच्छे से मिक्स हो जाए। और थोड़ी देर ऐसे ही मैंने ढक दिया था, और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट बन के हो गई है रेडी। और इस तरीके से दाल मखनी आप भी बना सकते हैं, सादा सिंपल तरीके से, कोई झंझट नहीं है इसमें, बस बिना भिगोए ही मैंने बना ली। और धनिया डाल दिया थोड़ा सा ऊपर से, और प्लेट में निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। और ये प्लेट में मैंने निकाल लिए, देखो कितनी गाढ़ी बनी है ये दाल मखनी। आप लोग भी इस तरीके से उड़द राजमा की रेसिपी बना सकते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।